हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब तुरंत फटाक से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आंसर को फाइंड आउट करना है कि देखिए 11, 13, 9, 6 कौन सा ऑप्शन सही है जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, जाइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आंसर लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, 15 और 81 और 12 में संबंध निकालेंगे। तो अगर हम इन तीनों में संबंध किस तरह कर सकते हैं, अगर हम 15 का वर्ग करेंगे उसके बाद -12 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। इसका वर्ग 15 का वर्ग 225, इसका 144 इक्वल टू हमारे पास 81 आ गया, ये आ गया। इसको इसमें से घटाएं तो हमारे पास 81 आ गया। उसी प्रकार इसमें करते हैं, 18 है तो 18 का वर्ग करेंगे, उसके बाद -15 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 18 का वर्ग 324 और 15 का वर्ग माइनस का माइनस 15 का वर्ग 225। तो हमारे पास इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 17 का वर्ग करते हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स का वर्ग करते हैं तो हम देखिए इसका 81 था तो 81 आ गया, 99 था तो 99 आ गया। उसके यहाँ पर क्या है, 120 है तो यहाँ 120 आ गया, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार करते हैं, अब 17 का वर्ग करते हैं तो 289 आ गया, ठीक है। उसमें से इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 120 इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 120 यहाँ माइनस आ गया और इधर माइनस एक्स है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो यह प्लस में आ जाएगा, तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर करते हैं इसको डिफाइन करेंगे तो 169 आ रहा है एक्स का मान, देखिए एक्स का मान, एक्स स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर का मान इतना आ रहा है, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।